महाराष्ट्र में स्कूल अगले हफ्ते से तमाम क्लासों के लिए दोबारा खुल जाएंगे। रियासत के वज़ीर तालीम ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि तमाम स्कूलों को ये यकीनी बनाना होगा कि कोविड प्रोटोकॉल मौजूद है। महाराष्ट्र के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया और 24 जनवरी से कोविड 19 प्रोटोकॉल के साथ क्लासेस 1-12 के लिए स्कूल दोबारा खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने तजवीज़ से इत्तेफाक किया है। गायकवाड़ ने खबरसा एजेंसी के हवाले से ये इतला दी। गुज़िश्ता हफ्ते रियासत के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने कहा था कि रियासत में स्कूलों को दोबारा खोलने का मुतालबा किया जा रहा। उन्होंने कहा कि स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए कुछ हलकों से मुतालबात बढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा। इस महीने के शुरू में महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में 15 फरवरी तक स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया था क्योंकि नए ओमिक्रॉन मुख्तलिफ किस्म के उभरने के दरमियान दिसंबर से कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो गई थी। कोविड 19 के केसेस बढ़ने के बाद हुकूमत ने स्कूल ऑफलाइन सेशंस जारी न रखने का फैसला किया, लेकिन माहिरीन के साथ बातचीत के बाद मुकामी के कोविड 19 की सूरत हाल की बुनियाद पर ऐसे सेशन शुरू करने का फैसला किया गया जहाँ केसेस की तादाद कम है। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।